अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही खूबसूरत सी वेलवेट की शॉल रेडी की है, जिसके पल्लुओं पे मैंने पाइपिंग और लटकन लेस का यूज़ किया है। और मैंने जो लंबाई वाली साइड है हमारी, वहाँ पे मैंने काबिया के साथ कटवर्क किए हैं। आज मैं आपको काबिया का इस्तेमाल भी बताऊँगी, हम काबिया कैसे करते होते हैं। तो वेलवेट की शॉल भी बहुत आसान तरीके के साथ काबिया हो चुकी है और बहुत ही नीटनेस के साथ ये काबिया हुई है। तो मैं आप लोगों को उस काबिये का इस्तेमाल भी बताऊंगी इस वीडियो में। चले वीडियो कर लेते स्टार्ट। और सबसे पहले मेरे चैनल कर दिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कर दे कमेंट। तो ये वेलवेट की शॉल है जो अब मैं इसको रेडी करूंगी। देखिए इसकी कटवर बनाऊंगी, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके ऊपर, जिस शेप में एम्ब्रॉयडरी उसी शेप में इसको काबिया कर लूँगी मैं। और पल्लू में मैं इसके लटकन लैस और पाइपिंग का यूज़ करूँगी। बहुत ही नीट तरीके के साथ ये शॉल रेडी होगी। तो मेरी आवाज़ को तो अवॉइड कीजिएगा, मेरा गला ख़राब हुआ है, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करनी थी तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, काम है अपना, काम ज़रूरी होता है करना, तो कोई मेरा गला ख़राब है, खैर आवाज़ को आप अवॉइड कीजिएगा। तो ये है रेडीमेड पाइपिंग मैंने ली है, एक लटकन यह लेस यूज़ की है जिसको मैं लगाऊँगी बहुत ही नीटनेस के साथ। और बहुत ही ईजी है ये लेस लगाना, मैं इसमें कोई मशीन का पैर भी चेंज नहीं करूँगी, लेस को लगा लूँगी। यह है काबिया, काबिया को मैं इस्तेमाल करना बताऊंगी। इसको काबिया बोलते हैं और सोल्डिंग आयरन भी बोलते हैं। तो ये मेरा अब गर्म हो चुका है सोल्डिंग आयरन, इससे अच्छे से मैं इसको काबिया कर लूँगी। जिस शेप में ये मेरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई उसी शेप में मैं सेम टू सेम इसको कटवर्क को कटिंग कर लूँगी। वेलवेट को आप सीजर की मदद से भी कट कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी नीट नहीं आती, तो ये मैंने काबिया किया है, इसको काबिया से ज़्यादा नीट आई है। जब मैं इसको पूरी कुछ कर लूँगी कटवर्क, फिर आप देखिएगा शॉल की नीटनेस कितनी निकल कर आई है। और फुल रेडी होने के बाद तो शॉल बहुत ही खूबसूरत लगी है। तो ये देखिए कितने आसान तरीके के साथ ये काबिया हो जाता है। बस आपकी सोल्डिंग आयरन अच्छे से गर्म होनी चाहिए, और साथ ही मैंने इसका प्लग लगाया हुआ है और ये गर्म भी है। ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल भी कटवर्क नहीं करेगी, जब अच्छे से गर्म हो जाती है तो फिर ये अच्छे से काम करती है। तो मेरे YouTube चैनल पे मेरे मुख्तलिफ दुपट्टे शॉल्स रेडी की हुई हैं। अब जाएं मेरे YouTube चैनल का विज़िट करें, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों को दुपट्टों की बनाने की तरीके मिल जाएंगे। मैंने उसमें नेट का भी दुपट्टा रेडी किया हुआ है और गेंजा का भी दुपट्टा रेडी किया। अब वेलवेट की शॉल भी रेडी कर रही हूँ, इंशाल्लाह ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो आप बहुत आसानी के साथ बहुत अच्छे अच्छे दुपट्टे और शॉल्स बनाना सीख सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल का विज़िट करें। तो ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके के साथ ये कटवर्क हो गए नीटनेस के साथ। इस साइड के अभी रहते हैं, एक साइड के मैं कंप्लीट करके फिर दूसरी साइड के ऑफ कैमरा कर लूँगी। तो ये वाले थोड़े से रहते, ये वाले कंप्लीट करके इंशाल्लाह फिर देखिएगा इसकी फाइनल लुक कितनी खूबसूरत होगी जब ये फुल काबिया हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने फुल शॉल को अच्छे से दोनों साइडों से काबिया कर लिया था और इसकी नीटनेस के साथ ये कटवर्क बना लिए। ये पूरी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वो सारा मैंने कट कर दिया है और एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ बिल्कुल ही उसी शेप में ही मेरे कटवर्क बन के रेडी हो गए। तो अब हम इसके पल्लुओं पे लगाते हैं डोरी पाइपिंग। एक इंच में एक्स्ट्रा इसको बाहर को निकाल के और हाफ इंच में शॉल को सिलाई का मार्जिन लूँगी और उसको आराम से मैं डोरी पाइपिंग कर लूँगी पल्लुओं पे। इसमें मैंने मशीन का पैर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, उसी पाँव से ही मैं इसको डोरी पाइपिंग कर रही हूँ। आप लोगों को पता ही है मैं हमेशा रेगुलर पाँव से ही डोरी पाइपिंग करती हूँ। कितनी नीटनेस के साथ ये पाइपिंग आई है, बिल्कुल इक्वल एक बराबर ही निकलती है। फुल पल्लुओं को मैं दोनों को इसी तरह तैयार कर लूँगी और उसके बाद अच्छे से इसको मैं प्रेस लगा के फोल्ड कर लूँगी। फोल्डिंग में इस पर सिलाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये वेलवेट की शॉल है, मैं इसको करूँगी तुरपाई। तो देखिए इस तरह से पलट के प्रेस लगा के और एक दफ़ा और मैं पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करके और फिर मैं इस पर आयरन करके और तुरपाई कर लूँगी। ये देखिए मैंने इस्त्री वगैरह लगा के फोल्ड कर ली, अब इसको हम करेंगे तुरपाई। और इसको जो है एक एक इंच का मार्जिन हमने पाइपिंग का छोड़ा था उसके अच्छे से कोने बना लेंगे ताकि यहाँ से बिल्कुल नीट आ जाए। तो इस तरह हम कोने बना लेंगे और यहाँ से हम अपनी तुरपाई स्टार्ट करेंगे और दोनों पल्लुओं को इसी तरह हम तुरपाई कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर लगाएंगे अपनी लटकन लैस। तुरपाई में टांग का बिल्कुल छोटा छोटा लेना होता है ताकि नीचे वाले कपड़े को हम कम उठाएं और पाइपिंग को
थोड़ा सा ज़्यादा उठाएं तो अच्छे से हमारी तुरपाई हो जाती है, बिल्कुल पास पास हमें टांके उठाने होते। तो ये देखिए अच्छे से मेरी फुल पल्लुओं को मैंने कर लिया है तुरपाई, कोने भी मेरे अच्छे से बन चुके हैं। अब मैं इस पर लगाऊँगी लटकन लैस, लटकन लैस जहाँ से मैं स्टार्ट करी वहाँ से सिरे को अच्छे से दबा लूँगी और फिर मैं लगाऊँगी इस पर, ताकि इसके धागे वगैरह ना निकले, नीट हो जाए बिल्कुल ही। जो मैंने पाइपिंग की थी बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ रख के मैं सिलाई लगाऊंगी, पाइपिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए, पाइपिंग के साथ साथ जब सिलाई लगेगी तो सिलाई नज़र नहीं आती, वो बीच में मर्ज हो जाती है सिलाई, तो बिल्कुल भी फील ही नहीं होती हमने कैसे ये लैस लगाई है। थोड़ा सा आराम आराम से आप लगाइएगा लैस, क्योंकि हमने मशीन का पाँव चेंज नहीं किया और ये जो है लटकन ये मशीन में ना आ जाए, तो आराम आराम से हम ये फुल पल्लुओं को कर लेंगे लैस, पाइपिंग के साथ साथ रख के लगा लेंगे। तो चले जब तक मैं पल्लों पे लगाती हूँ लैस, आप जल्दी से मेरे चैनल कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दे, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो मैंने दोनों सिरों पे ही थोड़ा थोड़ा लैस को दबाया है ताकि इसके धागे निकले, और ये देखिए कितनी खूबसूरत ये लैस लगी है, और लटकन कोई टूटा नहीं, ना ही कोई मशीन में आया, बिल्कुल ईजी तरीके के साथ मेरी लैस लग के तैयार हो गई है। पल्लू दोनों मैंने रेडी कर लिए, बिल्कुल नीट और ख़ूबसूरत सी शॉल रेडी हो गई हमारी। इसकी फाइनल लुक मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी, बहुत ही ख़ूबसूरत सी ये शॉल बन के तैयार हुई है। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये शॉल लग रही है। आप लोग भी अपने इस तरह के विंटर के ड्रेस रेडी करें इस शॉल्स वगैरह पे, हल्की सी जब हम लैस लगा लेते हैं या थोड़ी सी कोई हैवी लैस लगाओ तो दुपट्टे की बहुत अच्छी लुक आ जाती है, उससे एक ड्रेस की भी लुक बहुत अच्छी आती है, ऐसे लगता है हमने बड़ा ही महंगा कोई ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ब्रांडेड ड्रेस में ये आ जाते हैं दुपट्टे इस तरह के रेडी हो गए ना। तो चले अपना रखिएगा ख्याल, में फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हुआ है, उसी खुशी में आप जल्दी से मेरे चैनल कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कॉमेंट। अपना रखिएगा ख्याल, फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।